बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज विधानसभा चुनाव के लिए 100 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें 27 दलित जबकि 23 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। बीएसपी की ओर से अब तक 200 कैंडिडेट्स का ऐलान किया जा चुका है। मायावती ने अपने टिकट वितरण में सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा सवर्ण उम्मीदवारों को भी खास तवज्जो देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस बार मायावती अपने कोर वोट माने जाने वाले दलित समाज के उम्मीदवारों को अपेक्षाकृत कम सीटें दे रही हैं। सूबे में कुल 85 आरक्षित सीटें हैं, जबकि वह 87 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने वाली हैं। माना जा रहा है कि मायावती इस बार मुस्लिम सवर्ण और दलित मतदाताओं के भरोसे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने गुरुवार को भी सूची जारी की थी, जिसमें 36 मुस्लिमों को टिकट दिया गया था। इस तरह बसपा अब तक 59 मुसलमानों को टिकट दे चुकी है, जबकि अभी तक 44 SC उम्मीदवारों को टिकट दिए जा चुके हैं। वैसे तो मायावती जातिवाद के आरोपों को खारिज करते हुए हमेशा ये कहती आई हैं कि BSP सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है और उसी के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं। लेकिन यहां तो कुछ और ही तस्वीर सामने आ रही है। देखते रहिए DB Live।